प्रिय साथियों, ये गीत जा रही है वर्तमान सरकार की कार्यगुजारी पर। आदर करता हूं मैं माननीय हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान जी बस थोड़ा सा विचार कर लीजिए, क्योंकि आसमान में चलते हैं, आसमान से धरती पर उतरते हैं, तो इस देश की 125 करोड़ जनता में अदा कदा 10-5 लोगों से ही आप मिल पाते हो। कहां था आपका जीवन? और इस देश की जनता, यहां के गरीब मूल निवासी सीएम भी बना दिए, पीएम भी बना दिए, लेकिन झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा आपने खड़ा कर दिया श्रीमान, कि देश की नैतिकता और देश की सभ्यता और देश की संस्कृति को भी शर्म आ गई कि इतनी बड़े भारत देश का प्रधानमंत्री झूठ की बुनियाद पर सत्ता पर काबिज हुआ। जिन लोगों ने चाय बेचने वाले को उठा करके प्रधानमंत्री बना दिया, उन लोगों के साथ श्रीमान जी आप क्या कर रहे हो? बस बाबा साहब का लिखा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जनतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है, उसके अधिकार के अनुसार मेरे जैसा छोटा कलाकार अपने देश की जनता को केवल आपका संदेश दे सकता है। ये गीत मेरी जा रही है, क्या है? अरे भूला गई ला मोदी जी, ओ भूला गई ला मोदी जी, बतिया भूला गई ला मोदी जी, दलितन के दिहला वहां का हो, बतिया भूला गई ला जब देश की जनता ये समझ गई कि जो भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो बेटा प्लेटफार्म पर चाय बेच रहा था, गरीबी देखा है, गरीबों का कल्याण वो व्यक्ति कर सकता है, पूरे देश के 90% की जनता आपके साथ खड़ी हो गई। और आपको लोगों ने क्या समझा था? सवा का जनता तू है जन भगवान हो, सत्ता के पवत भारी, सत्ता के पवत भारी कैला तू मान हो, देश के गरीबों ने आपको अपना मसीहा नहीं भगवान समझ लिया, लेकिन जब आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गया तब आप इनके साथ क्या किए हो? कौन सा नियम आप बनाए हो? अरे सत्ता के पवत भारी, अरे कैला कुमान हो की
बतिया भुलाए गई ला मोदी जी, सब ही के दिहला बहताए हो, बतिया भुलाए गई ला देश की गरीब जनता यहाँ के 85 मूल निवासी आपको अपना रहनुमा, आपको अपना भगवान मान लिया, इसके दबाव में आपने काला कानून बनाया था। समझ लीजिए, मैं देश की जनता और नौजवानों से अपील करके गीत गा रहा हूँ कि हर गांव में जन जन में लोगों तक इस गीत को सुना दीजिएगा। इन्होंने कानून बनाया एमपीआर एनसीआर CAA, और उन्होंने कहा कि हिंदुओं को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जब कानून का पहला प्रयोग आसाम में हुआ तो डिटेंशन सेंटर में 19 लाख लोग भेजे गए। 19 लाख लोगों में 4 लाख मुसलमान और 15 लाख अहीर चमार कहार कुहार धरकार माजी मल्ला। इसी से आप समझ लो, अगर अपने आप को हिंदू साबित करना चाहते हो, एक भी ब्राह्मण छत्री डिटेंशन सेंटर में नहीं गया, यही स्पष्ट होता है कि आप हिंदू नहीं हो। माननीय मोदी जी ने कहा था हिंदुओं को घबराने की जरूरत नहीं है, मने फॉरवर्ड को घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल भारत के मूल निवासी पिछड़े 85 शूद्र जलित और मुसलमानों के लिए कानून बनी है। लेकिन श्रीमान जी 19 के चुनाव से पहले आप अपने माँ के बेटे हो, घोषणा कर देते कि मैं केवल उसका वोट लूंगा जो भारत का मूल निवासी है। वोट तो ले लिए आप वोटर कार्ड पर, आधार कार्ड पर। आपका अध्यक्ष अमित शाह बोल रहे हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड नहीं माना जाएगा। तो का मानल जाई ओके बाद में बताई। लेकिन मेरे भारत के मूल निवासी साथियों, ये गीत मनोरंजन के लिए नहीं, आपको सतर्क करने के लिए कि इसके काने कानून से, इस काला कानून से आप कैसे बचोगे। और नौजवानों को जो भी मोबाइल चलाते हैं, मैं अपील सहित इस चीज को कहना चाहता हूं कि अपने परिवार में, अपने लोगों में, गरीबों में इस बात को जरूर समझा दीजिएगा कि इस काले कानून से आप बचोगे कैसे। क्या है काला कानून एनसीआर तू बनावला, एमपीआर में तुम मोदी सबके फसवला, अरे एमपीआर में तुम मोदी सबके फसवला हो, बतिया भुलाए गई ला मोदी जी, देशवा में अगिया लगाए गई ला, बतिया भुलाए गई ला मोदी जी।
सारे भाई। ओ हो 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 तीन काले कानून आप लाए, एमपीआर, एनसीआर, सीएए, तीनों कानून का मतलब आपने बता दिया, हिंदुओं को घबराने की जरूरत नहीं है। एक कानून नागरिकता बिल इसलिए लाई गई है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लद्दाख के आगे भारत में बसे हैं, ये कानून उनके लिए आई है। लेकिन माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित नेता एमपी, एमएलए, विधायक, आपसे मेरा सवाल है कि आसाम में पिछड़े 15 लाख क्यों भेज दिए गए, जिसे आप हिंदू बताते हो? हिंदू अहित चमार हैं कि नहीं है, ये भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। 15 लाख हमारे पिछड़े भारत के मूल निवासी डिटेंशन होम में भेजे गए, 4 लाख मुसलमान भेजे गए, उनमें 95,000 छोटू, 95,000 जो न हिरण चमारन में दाढ़ा रख के, गेरुआ वस्त्र पहिर के, जो राम का बड़का भगत बन के चलत रहलन, वो ठेल गेल, वो ना बचलन, बचल के हो खाली फॉरवर्ड का साधु सन। माननीय भागवत जी, संघ के अध्यक्ष भागवत जी ने एक लेटर जारी किया था, खोल रहा हूं मैं अपने गीत के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि भारत के 40 करोड़ मूल निवासियों को नागरिकता समाप्त कर दो, सत्ता से तुम्हें कोई वर्जित नहीं कर सकता। और हमारे मौर्य समाज, राजभर समाज, खट्टिक समाज, चौहान समाज, यादव समाज राम को लेकर के ढो रही है, घबराओ मत, आखिरी समय है। मैं तो तलवार की धार पर जीवन लेकर के गीत गा रहा हूँ, लेकिन बात नहीं समझे तो आने वाली समय जो मैं कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं 22-3 साल सब जीबा, यहाँ भी डिटेंशन होम बना जाता सीतापुर में। 800 एकड़ जमीन लिया गई, उत्तर प्रदेश से भी कम से कम 8 करोड़ लोग अहिर चमार कहार तुहार धरकार माजी मल्ला, और मूल निवासी ने जो हमारे देश के मुसलमान हैं, मलाल्टी समाज के हैं, 8 करोड़ लोग भेजे जाएंगे। अगर बचना है तो आपके बीच में कोई भी व्यक्ति आपका अगर मांगने जाता है बायोडाटा, कह दीजिए मेरे पास न कोई कागज है, पूछ देख तुहार नाव का, कदा कि नाव ना, तोरे बाबू का नाव कदा पता न का, तोरे माई का नाव पता न का, गांव का नाम हमके मालूम नहीं है। जहां आपने अपनी परिचय बता दिया, वही आप सबसे पहले एमपीआर में फंस जाएंगे। आगे नहीं बता पाए तो आपके नाम के आगे आपके फार्म पर डी लिख दिया जाएगा कि डी का मतलब होगल कि डिफाल्टर, लगा था कि ये भारत का नागरिक नहीं है, सही नहीं बता पाया। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, लेकिन इनको माननीय मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम देश के नागरिक नहीं थे तो हमें राशन कार्ड निर्गत क्यों किया गया, हम देश के नागरिक नहीं थे तो हमें आधार कार्ड क्यों दिया गया, पैन कार्ड क्यों दिया गया, ये भी आप ही ने बनाया था। अब हम क्या साबित करें, ऐसा न हो श्रीमान जी कि देश में हम शीत क्रांति खड़ी कर दें और हमारी औकात और हमारी ताकत, हमारी संख्या इतनी है कहीं भारत के किसी कोने में जगह भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, वरना इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखिए, देश के एकता और अखंडता पर, देश की नैतिकता और सभ्यता पर आंच आ गई अगर, जीवन आपका नरक हो जाएगा श्रीमान जी। गीत हमारी जा रही है तीसरे बिंदु पर। हमहन का लोग हमहन के पहाड़ का वाला
बतिया तुहार भैया सबके बतवल है। हमें दुख इस बात का सिर्फ हो रहा है श्रीमान जी, आपसे हमारी शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे ही लोग हमारे बीच में रह करके आपकी विचारधारा हमारे बीच में ले आए, हम उनकी बात मान के आपके पीछे खड़े हो गए, लेकिन हमें शर्म आ रही है अपने लोगों पर कि आज आपके समर्थन में आपकी गवर्नमेंट चलाने में 132 पार्लियामेंट सदस्य आपके खड़े हैं जो पिछड़े के हैं, जो व्यक्तिगत सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आपके पीछे खड़े हैं। हमारा भाई अगर गद्दार नहीं होता तो शायद किसी तरह से तो आप मुख्यमंत्री बन गए थे, तो पीएम नहीं बन पाते, लेकिन हमारे ही भाइयों को आपने खरीद करके और हमारे भाइयों ने आपकी चरणों में ले जा करके हम लोगों को आपका गुलाम बना दिया। लेकिन मैं अपने उस 132 भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो इनका तलवा चाट रहे हो, ऐसा ना हो कि कल अपने भाई के दरवाजे पर जाओ तो भाई तुमसे बात भी करने में तकरा जाए। व्यक्तिगत सम्मान के लिए अगर काश आप जैसा कुछ भी आर अम्बेडकर सोचे होते तो आज भारत के सबसे बड़े धन पशु होते, और आप 132 सांसद में बैठे हमारे पिछड़े मूल निवासी के सांसद जो उनका तलवा चाट रहे हो, किसी नदी और गंगा के किनारे घास करते या गाय चराते मिलते, लेकिन उस परमपिता की कुर्बानी, उस बलिदान और त्याग को आपने नहीं समझा अपने व्यक्तिगत सम्मान के लिए हमारे 85 मूल निवासियों के ले जा करके इस अंधकार पाखंड अपवाद की भट्टी में आपने झोंक दिया। एनसीआर सीए एनआरसी जैसी कानून अगर बन गई आपके खिलाफ तो आप अगर आज हट जाते तो कानून समाप्त हो जाती, लेकिन आप व्यक्तिगत सम्मान के लिए खड़े हो माननीय मोदी जी के पीछे। ले लो सम्मान मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाला इतिहास क्या कहेगा आपको इसे भी ध्यान में रख लेना। आखिरी लाइन है, बतिया तुहार भैया, बतिया तुहार भैया सबके बतवल है। तुहार भैया सबके बतवाल हो, बतिया भूला है गईला जोगी जी, बतिया भूला है गईला जोगी जी, अरे सस बोझ में दबाई गईला, बतिया भूला है गईला जोगी, बोझ में दबा गईला बतिया। आखिरी लाइन मेरी जा रही है, मैं अपने भारत के मूल निवासी 85 के मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि मित्रों, अपने ही बीच का हमारा भाई ले जा करके वहां हमें बलि चढ़ा दिया, लेकिन आप समझदार हो, ध्यान रहे आइंदा इन मदारियों के दल से कोई भाई आ जा कि मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए आया हूं। दुश्मन के साथ अगर राम के साथ भविष्य नहीं मिला होता तो लंका में हमारी सत्यानाशी नहीं होती, हमारे महाराजा रावण मारे नहीं जाते। रावण महाराज कुर्मी समाज के थे,
पिछड़ों के राजा थे। रामायण में बताया गया है कि रावण देवतन से गुलामी, देवतन से ना पंडितन से गुलामी करवावे। देवता मीन्स पंडित। ये बदे कि इनके जो देवता, पंडितों के जो देवता थे, मेघे के पेट से पैदा थे, नाक से पैदा थे, मुंह से पैदा थे, कान से पैदा थे, मैल से पैदा थे, आँख से पैदा थे, लेकिन हमारे देवता माँ की गर्भ, माँ की उदर से पैदा थे। ते झूठ की बुनियाद पर गवर्नमेंट भी बनाए और झूठ की बुनियाद पर ये पूरा देश भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे भोले भाले सम्मानित, हमारे मूल निवासी, इनके भोले भाले जाल में इसलिए फंस गए कि हमारे ही बीच का हमारा भाई, कोई चौहान भाई, कोई मौर्या भाई, कोई खट्टिक भाई, कोई यादव भाई, फोड़ करके ले जा करके वहां बैठा दिए। आराम से खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, लेकिन अपने समाज को लाओ हमारी शरण में। हमारे लोगों ने हमारे बीच में हमें समझा करके कंफ्यूज कर दिया। हम अपने राजाओं को छोड़ करके इस मदारी के पीछे दौड़ पड़े और आज स्थिति हमारी ये है कि पूरे देश से हम 40 करोड़ लोग बेमुक्त होने जा रहे हैं। अब हमें नागरिकता साबित करने की जरूरत है। ये चले थे उरियस देश से, वहां का राजा भगा दिया, आ गए भारत में, हम दयालु थे, इन्हें शरण दे दिया, हमारे यहाँ खाए और जिए। महज इनकी औकात 3.5% है। 125 करोड़ की भारत की आबादी है, 125 करोड़ में महज इनकी गणना कर लिया जाए तो 10 से 12 करोड़ हैं, बाकी हम हैं। लेकिन 12 करोड़ लोग 100 करोड़ पर हुकूमत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे ही भाई जो गद्दार है उनके पीछे घूम करके हमें बेच रहे हैं। इसलिए बतिया हमार सुना भैया मूल निवासी, भारत सवा का बाटा तू ही असली बासी, जिनका जन्म है, कर्म है, जो यहाँ का मूल निवासी है उसे नागरिकता देने की आवश्यकता आ गई। आप अगर नहीं समझोगे तो अब कौन सी समय आएगी मेरे भाई की अपने आप को पहचानोगे। बस मेरी गीत एक पटल पर एक संदेश आपको दे रही है, त्याग दो ब्राह्मणों को, त्याग दो मंदिर जाना, मंदिर जाना आपके लिए सबसे बड़ा अभिशाप और पाप है। जिस दिन अपवाद है आडंबर पाखंड को आपने त्याग दिया, उस दिन आप अपने आप को समझोगे कि मेरा एक नया जीवन और नया जन्म हुआ है। क्योंकि पाखंड को अगर पहले ही आप त्याग दिए होते तो शायद आज आपको CAA के तहत भारत का नागरिक का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती। बतिया हमार सुना भैया मूल निवासी, भारत सभा का बाटा तू ही अब पासी, तू ही मूल वासी हो। बतिया भुलाए गईला मोदी जी, बतिया भुलाए गईला मोदी जी, आडंबर पाखंड में भुलाए गईला, बतिया भुलाए Yeah।
गुरु बिहारी देखा सबके बतावाला समझ वाले हो बतिया भुला गई मोदी जी बतिया भुला गई मोदी जी राजकुमार गाय के सुना गई बतिया भुला मोदी।